अस्सलाम वालेकुम सबको। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं जा रहा हूँ उमरे पे, सिर्फ मैं नहीं पूरी फैमिली जा रही है। तो यार कैसे हुआ सब कुछ? ये कुछ भी नहीं होता, बंदा सिर्फ बस नियत कर लेता तो अल्लाह ताला खुद ही अपने घर बुला लेते हैं। लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, ये काम है, वो काम है, इतने काम है, बस बंदे को नियत करनी होती है। वो कहते हैं ना इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दरवाजा नियत पर है। यार काफी मधुर बातें कर रहा हूँ मैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भाई बंदे को सुधरना चाहिए यार। बात तो सही है। तो सीन ये है कि भाई हमने पैकिंग वगैरह सारी कर ली है, अभी बज रहे हैं 5 और हमारी रात के 2 बजे की फ्लाइट है। तो हम लोग खाना वगैरह खा के एयरपोर्ट की तरफ निकलेंगे, उससे पहले एहराम पहनेंगे क्योंकि हमारी सऊदी एयरलाइन है, तो हमें यहीं से एहराम पहन के जाना होगा। तो पहले मैं खाना वगैरह खा लेता हूँ, उसके बाद हम लोग एहराम पहन के निकल जाते हैं एयरपोर्ट के लिए। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह एहराम पहन लिया आपके भाई ने, तो बताना कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम है और पूरा लुक देख सकते हो आप लोग। तो अब निकलते हैं हम लोग एयरपोर्ट के लिए क्योंकि देर हो रही है और हम लोग तकरीबन यहाँ से 1.25 घंटे का रास्ता है, तो हम लोग को जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा। अभी 9 बज रहे हैं और नमाज हमने पढ़ ली है, तो डायरेक्ट एयरपोर्ट पे मिलते हैं आपको। यार अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट में आ चुके हैं। इधर रश चेक करो, सारे बाहर मुल्क जाने के लिए रेडी हैं। वो कहते हैं ना पाकिस्तान से जिंदाबाद, वो इधर सीन हो रहा है। तो भाई आपको मैं एक स्पेशल मेहमान से मिलाता हूँ जो कि बहुत बड़ा मेहमान है, हमारा कद में भी बहुत बड़ा है, और आपको दिखाता हूँ बहुत ही स्पेशल मेहमान है, बहुत बड़ा मेहमान है वो। तो भाई ये है वो मेहमान, माशाल्लाह चेक करो भाई, माशाल्लाह बहुत बड़े मेहमान है हमारे। क्या हाल है भाई आपके? ओके ओके भाई, समझ गए समझ गए, गुस्सा नहीं करो गुस्सा। खाना पीना इनका चल रहा है अभी। आप उम्र करने जा रहे हैं ना, खाने में जब तक पोएम ना हो जब तक ये खाना नहीं खाता है। और यहाँ पे हमारी बैग चेकिंग हो रही थी और यहाँ पे फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। तो भाई अंदर आ चुके अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे थोड़ा सुकून है, इतना रश नहीं है। तो भाई हमारा बादशाह आ चुका है, ये चेक करो पूरी ट्रॉली। भाई टक्कर होने के बाद ये नेवर गिव अप करते हुए वापस आगे जाते हुए, जाओ जाओ आगे जाओ आगे जाओ। अच्छा भाई तो अब बारी आती है रैपिंग की, तो हमारे बैग की भी रैपिंग हो रही है और हमारे पास काफी बैग हैं। हमारे पास एक ये बैग है और एक ये बैग है और एक ये बैग है और बाकी जो कि ये हैं इन पे रैपिंग ही होगी मेरे ख्याल से, बाकी इनमें तो अभी हो रही है फिलहाल। तो एक करो, ये एक बैग की तो कम्प्लीट हो गई है, अब बाकी दूसरे बैग की रहती है। भाई ये इन्होंने बैग रख दिया इस पे और ये अब यहाँ से खींचेंगे और ये खुद ही घूमना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। चेक करो भाई, खुद ही घूमे जा रहे, उसकी रैपिंग होगी, इसको फुल सजा दिया जाएगा। तीसरा बैग भी घूमे जा रहे और यहाँ पे ये ऊपर क्यों चला है तो मुझे इसकी समझ नहीं आती। चलो खैर, यहाँ पे इसकी रैपिंग फाइनली होने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई रैपिंग वगैरह करवाने के बाद हम लोग यहाँ पे वजन चेक होता है क्योंकि भाई हमारी सऊदी एयरलाइन है और सऊदी एयरलाइन में 23 किलो से ज्यादा ये लोग जाने नहीं देते हैं। यार आप लोगों को एक चीज चेक करा था, इसकी यहाँ पे ये बुगाटी बन गई है, ये आराम से घूमे जा रहा है बुगाटी में। देखो माशाल्लाह इसकी बुगाटी और ये फुल भाई चिल माहौल में, मजे से, इसको कोई टेंशन ही नहीं है। चेक करो एयरपोर्ट इसका ही तो है। यार अल्हम्दुलिल्लाह इमिग्रेशन हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं प्लेन की तरफ। और इसको चेक करो, ये तो अपनी मस्ती में भागे जा रहा है। इसने स्पीड बढ़ा ली, ये ना हो कि वो आगे चला है। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह प्लेन में हम लोग जा रहे हैं फाइनली, देख सकते हो आप लोग। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह प्लेन पे बैठ चुका हूँ, ये चेक करो माशाल्लाह भाई, ये हमारे इतने बड़े जहाज के प्लेन के विंग्स हैं, तो ये बिल्कुल करके उड़ेगा। और ये चेक करो माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ये चेक करो यार, अलग ही लेवल एक्साइटमेंट होती है। मतलब आप उम्रे पे जा रहे हो पूरी फैमिली के साथ, ठीक है, और प्लेन पे मतलब करीब होता है जब, मतलब बहुत मजा आता है यार। तो भाई सारी चीजों का रिव्यू हो गया, एक चीज रह गई जो प्लेन का वॉशरूम, पहले चेक कर सकते हो भाई, ये वही है जो तुम समझ रहे हो वगैरह सब चीजें, और ये मैं हूँ। यार काफी घंटे हो गए, मेरा दिल चाह रहा है पुनीत की तरह मैं भी कर लूँ यार, उड़ा लो इस रिक्शे को भाई। अच्छा भाई फॉर एग्जांपल जिसने प्लेन ना देखा हो, ठीक है, मेरी तरह कोई ना बैठा तो मैं दिखा दूँ भाई कैसा होता प्लेन, पहले मैं दिखा दूँ, अंदर से चेक कर लो, ठीक है भाई। हर सीट के पीछे ये लगा हुआ, मैंने घर चेस गेम लगाया था लेकिन ये पता नहीं इनका रिमोट ही चलता ही नहीं है, पता नहीं कैसा है। 3 सीट्स इधर लगी हुई है, 3 सीट्स इधर लगी हुई है, बाकी 3 उस तरफ लगी हुई है, ठीक है। और बिल्कुल सीट के नीचे पैडल दिया हुआ है, अगर आपको भाई एक्सीलेटर मारना हो एरोप्लेन में, एक मिनट यार मेरी केबल नजर आ रही फोकस नहीं रहा, अगर आपको एक्सीलेटर मारना हो तो आप मार सकते हो, प्लेन की स्पीड आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। यार भाई मजाक बहुत हो गया, अल्लाह ताला हमारे सफर को भाई आसान कर दे, खैरियत से हो जाए खैरियत से आ जाए खैर, तो बस यही चाहिए। अच्छा तो यार फाइनली लड़ झगड़ के विंडो सीट मैंने ले लिए, तो तुम लोगों को मैं एक दूसरा प्लेन दिखा दूँ, वो रहा दूसरा प्लेन। तो बस इसका टेक ऑफ होने का इंतजार है, अब देखते कब टेक ऑफ होता है, 2:20 की फ्लाइट थी, मतलब टेक ऑफ होना था, अब देखते कब होता है। अच्छा ये भाई यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सही है ठीक है समझ गया, और यहाँ पे हमारा प्लेन जो है पीछे की तरफ जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल सीधा ही जाएगा जी, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अच्छा तो भाई अभी इन्होंने हमें ये दिया है, ये एयरबड्स है, ठीक है, यहाँ पे लगा के आप भी सुन सकते हो।
तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह खाना आ चुका है। तो ये मुझे नहीं पता क्या है, ये मुझे लग रहा है कौन है पता नहीं कुछ। और ये हमारा ब्रेड है। तो ये क्या है, ये मेरे ख्याल राइस होंगे। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं हम लोग। अनबॉक्सिंग चैनल ना खोल लूँ मैं। ओ भाई साहब माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ये हमारे पास राइस है और यहाँ पे सालन है और यहाँ पे सब्जी है। तो ये सारा कुछ है हमारे पास। तो भाई इसको मिक्स करते हैं और चेक करते हैं कैसा है ये। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सही है यार खाना, अच्छा इतना बुरा नहीं है। खाना फोड़ते हैं इसके बाद आप लोगों से पहले मिलते हैं। खाने का रिव्यू दे देता हूँ, ये मैंने खाया बस ये नॉर्मल था। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह लैंड हो चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं प्लेन से बाहर। बहुत ज्यादा थक गया हूँ, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, लेकिन फिर भी बहुत मजा आया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था। भाई बैग यहाँ से निकलते हैं और फिर वहाँ पे गिरते हैं और यहाँ से ऐसे राउंड करके जिसका जिसका बैग होता है वो उठा लेते हैं। अभी तो फिलहाल सबने उठा लिया है और हमने भी अपना बैग उठा लिया है। बस हम जाते हैं अभी अपनी बस की तरफ। यहाँ पे हमने अपनी चेकिंग वगैरह सब कुछ करवा लिया है और हमारी सारी चेकिंग वगैरह हो चुकी है और अभी हम जा रहे हैं होटल की तरफ। पहले हम लोग जाएंगे अपनी बस की तरफ, फिर हम लोग जाएंगे होटल की तरफ अपनी। बस की तरफ आ चुके हैं अभी। सर हमारी बस ये रही जिसका नाम है बस माँ, तो इसमें हम लोग बैठेंगे और जाएंगे अपनी होटल की तरफ। होटल चलोगे ना? तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बस में चढ़ गए। मैं आप लोगों को बस दिखाता हूँ। ये देखो हमारी बस, इतने लोग बैठे हैं, वाओ ये सारे मेरे फैंस हैं। और इस वक्त टाइम हो रहा है 5:54। बस के 3 घंटे सफर करने के बाद मैं आ गया हूँ अपनी होटल। और होटल वगैरह कौन सी है, पहला उमरा वगैरह सब मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को यहीं पर ही करते हैं। मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, अभी हम जा रहे हैं उमरे के लिए। ये क्लिप थोड़ी लेट बना रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गया था। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।